पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे। मुरादाबाद पहुंचने पर भाजपाइयों ने जफर इस्लाम का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम सीए श्वेताब तिवारी के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे और श्वेताब तिवारी के परिवार से मुलाकात की। साथ ही परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। उसके उपरांत भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम बुद्ध बाजार में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बुद्ध बाजार में विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली और साथ ही व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही यहां पर सुंदर कार्य किए जाएंगे जिससे व्यापारियों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही उन्होंने मुरादाबाद जनपद फैजगंज के रहने वाले शिल्प गुरु एवं पद्मश्री से सम्मानित दिलशाद हुसैन के आवास पर पहुंचे और उनको पद्मश्री मिलने पर शुभकामनाएं दी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और साथ ही मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने सबसे पहले केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और बजट की खूबियों को गिनाया। वहीं उन्होंने मुरादाबाद के चर्चित श्वेताब तिवारी हत्याकांड को लेकर कहा कि वो इसके बारे में सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। यहाँ आने से पहले भी उन्होंने इस संबंध में वार्तालाप किया था। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि हमें लीड मिल गई है और लीड पर बहुत आगे बढ़ भी गए हैं। बहुत जल्द गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। सरकारों में हिम्मत नहीं होती थी कि अगर अपनी चिंता करनी हो और तेल अगर बाहर में महंगा कहीं मिल रहा है लेकिन हम और उस पर सैंक्शन लगा तो हम नहीं लेते थे, लेकिन आज देखिए रशिया से हमने तेल लिया, सस्ते दर पे लिया। क्यों लिया? इसलिए कि हमारे देश की ज़रूरत है, हमारे देशवासियों की ज़रूरत है, इसलिए लिया। हमारे गरीबों की को ज़्यादा से ज़्यादा उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, इसलिए अगर तेल में कम खर्चा होगा तो जाहिर है उनके विकास के लिए काम करेंगे। एक प्रदेश का बजट और एक देश का बजट, देश का बजट बहुत बड़ा होता है, प्रदेश का बजट छोटा होता है। आज जिस तरह से वेलफेयर स्कीम देश की चल रही है, हमारे मोदी जी की सरकार की चल रही है, वो आम नागरिकों के लिए चल रही है। और जिस तरह से हमने चाहे राशन पहुंचाने का काम, चाहे हमने गैस स्टोव देने का काम, चाहे हमने शौचालय बनाने का काम, चाहे हम छत देने का काम, ये काम हम कर ही रहे हैं। लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश में विकास चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ होंगी। जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी 303 नहीं, भारतीय जनता पार्टी का नाम धंधे नहीं, 325 से ऊपर रहेगी। उद्धव ठाकरे से मिलने केजरीवाल गए, देखिए ये इतने गुट हैं। एक हिंदी में कहावत है जो नूर बिहारी ने कहा था, इतने हिस्से में बट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो आज नूर बिहारी जी की वो कविता उनको याद दिलानी चाहिए कि ये ऑपोजिशन कैंप जो इतने हिस्से में बटा हुआ है कि किसी के हिस्से में कुछ नहीं है। देश को उठा के देखिए तो घटना तो होती है, क्राइम तो होते हैं, लेकिन क्राइम रेट कम होना चाहिए, डर जो क्राइम करने वालों को डर होना चाहिए कानून का। आपको मैं आप आज प्रदेश की जनता से पूछे, जिस तरह से क्रिमिनल्स यहाँ आसानी से घूमते थे, जिस तरह से क्राइम करते थे, उसको वो तो आप शायद सपना में भी नहीं सोच सकते। लेकिन हाँ, जो क्राइम हुआ है उनके दोषियों को अगर हम सख्ती से डील करें और उनको सही से सज़ा दे पाएंगे तो जाहिर है लोगों का भरोसा जैसा है वो जारी रहेगा। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे दो चार घटना हुई है, लेकिन उससे पूरे प्रदेश का के लॉ एंड ऑर्डर में कम हो गया इस बात उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी क्राइम हुआ है उस क्राइम का के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके साथ कानूनी कार्रवाई जल्दी हो, इसकी हम कोशिश करते हैं और हम उसको करके दिखाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।